हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फिनिटी ट्रिक्स में। और हम आज बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो 17 फरवरी को रिलीज़ हुई है, और ये फिल्म मार्वल की फेज़ 5 की पहली फिल्म है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड दी वॉस्प क्वांटम मेनिया की, जो 17 फरवरी को रिलीज़ हुई है और IMDB ने अभी तक इसको 6.6 की रेटिंग दी है। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फिल्म एंटमैन की तीसरी मूवी है, और इस मूवी में बाकी कैरेक्टर्स तो वही फर्स्ट या सेकंड पार्ट वाले हैं, बस दो कैरेक्टर नए हैं, यानी कि कैसी जो एंटमैन की बेटी है, और कैंग द कॉन्करर जो आगे चल के मार्वल का मेन विलेन होने वाला है। मैं आपको पहले इसकी कहानी के बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ कि इसकी कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन अचानक से एंटमैन की पूरी फैमिली क्वांटम रियल में आ जाती है, और वहाँ फंसने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है उनके सबसे बड़े विलेन कैंग द कॉन्करर से। हालांकि हम लोग को कैंग द कॉन्करर का फर्स्ट लुक लोकी के सीजन 1 में ही मिल गया था, लेकिन जैसा उसने बताया था कि वो जो कैंग था वो सबसे अच्छा वाला कैंग था, और उसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। और उन्हीं में से एक वेरिएंट की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है, जिसे जोनाथन मेजर ने प्ले किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं, और अगर आप इस मूवी को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं देखने के लिए, तब शायद ये मूवी आपको उतनी पसंद नहीं आ सकती है। लेकिन अगर आप एक सुपर हीरो फैन हैं और आपको एंटमैन की मूवी पसंद है, तो ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इस मूवी में एक्शन भरपूर है, कॉमेडी भी काफ़ी अच्छा है, और VFX तो कमाल के हैं। हालांकि 2-3 सीन ऐसे हैं जहां पे VFX और अच्छा हो सकता था, लेकिन उसके अलावा मूवी पूरी कमाल की है। और जो क्वांटम रियल्म की जो दुनिया है वो काफ़ी सुंदर है। हम मार्वल में बहुत सारी दुनिया अलग अलग पहले भी देख चुके हैं, जैसे ब्लैक पैंथर की वकांडा, सेंची की तालो, और नेमर में आने वाली अटलांटिस। और उन सभी दुनिया में से मुझे ये वाली दुनिया सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और जोनाथन मेजर्स ने कैंग का जो रोल प्ले किया है उसको देख के तो ये बात बोल सकते हैं कि उनसे अच्छा ये रोल और कोई प्ले नहीं कर पाता। मूवी का लेंथ लगभग 2 घंटे 10 मिनट का है, और इसे आप हिंदी, इंग्लिश और कई सारे रीजनल लैंग्वेज में इंडिया में देख सकते हैं। और मूवी के एंड में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन हैं, एक मिड क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट। तो मूवी ख़त्म होने के बाद वहाँ से हट मत जाइएगा और पूरी मूवी को देख के आइएगा, क्योंकि अंत में जो 2 ऐसे सीन्स हैं जो आपको कुर्सी से उठ के चिल्लाने में मजबूर कर देंगे। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखा है तो मैं तो बोलूँगा कि आपको इसको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए। और मूवी को देखने के बाद हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अब चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।